मॉर्निंग बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि स्क्रीन पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर 3 + √2 5/5 एंड 3 - √5/5। ये देखिए बच्चों, 2013 में आया हुआ है क्वेश्चन, जो कि सेकेंड चैप्टर का है। जैसे कि हमारा पता ही है बच्चों, जो PYQ का सेशन चल रहा है और चैप्टर 2 का क्लास 10th का, राइट बच्चों। तो आइए बच्चों सॉल्व करते हैं, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी सॉल्व करना, यानी एक इक्वेशन बनाना है। क्या दे रखा है? हु जीरो। जब भी ये हु जीरो लिखा होगा तो आप समझ जाइए अल्फा दे रखा है और ये बीटा दे रखा है, राइट बच्चों। तो आइए सॉल्व करते हैं। तो ये अल्फा क्या दे रखा है बच्चों, यानी अल्फा इज इक्वल टू, देखिए यानी 3 + √5 और ये पूरे के अपॉन में 5 है बच्चों, राइट बच्चों। आप यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, ये पूरे के अपॉन में 5 है। और देन बीटा क्या दे रखा है बच्चों यहाँ पे, यानी बीटा इज इक्वल टू दे रखा है बच्चों, बीटा इज इक्वल टू 3 - √5/5। ओके बच्चों, तो आइए सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यानी अल्फा प्लस बीटा सॉल्व करते हैं। देखिए यानी अल्फा प्लस बीटा, जिसे हम प्रोडक्ट सम ऑफ जीरोज भी कहते हैं, इसका फार्मूला क्या होता है बच्चों, -B/A होता है। तो देखिए अल्फा क्या दे रखा है बच्चों यहाँ पे, यानी ब्रैकेट में 3 + √5/5 ब्रैकेट क्लोज, राइट बच्चों। देन प्लस है तो प्लस, देन ब्रैकेट ओपन। बीटा क्या दे रखा है? 3 - √5/5 ब्रैकेट क्लोज। क्या है फॉर्मूला? क्या अल्फा प्लस बीटा का? -B/A, राइट बच्चों। यहाँ से सॉल्व करते देखिए, तो ये आप देखिए यहाँ पर प्लस है तो ब्रैकेट ओपन करते हैं, तो ये क्या आ जाएगा? 3 + √5/5 ये प्लस है तो प्लस आ जाएगा बच्चों। तो ये क्या आ जाएगा? 3, और ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा? यह -√5/5, राइट बच्चों। एलसीएम लेने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है। तो देखिए ये 3 और 3 यानी पॉजिटिव है, तो ये क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। और √5 पॉजिटिव है, यहाँ नेगेटिव है, तो ये कैंसिल आ जाएगा। तो ये 6/5 क्या आ जाएगा? 5। ये इज इक्वल टू -B/A। ये इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं, राइट बच्चों। ये इक्वेशन क्या आ गया? फर्स्ट। ये अल्फा प्लस बीटा का आ गया। अब अल्फा इंटू बीटा सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, यानी C/A, इसे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज भी कहते हैं, तो इसका फॉर्मूला C/A। तो अल्फा क्या दे रखा है बच्चों, देखिए अल्फा दे रखा है यानी ब्रैकेट ओपन, यानी 3 + √5/5 ब्रैकेट क्लोज, ये 5 है बच्चों। देन ब्रैकेट ओपन 3 - √5/5 ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू C/A। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ऊपर 3 + √5 और यहाँ पे मल्टीप्लाई में 3 - √5, तो ये a + b और a - b, तो क्या फार्मूला होता है? a + b बच्चों और a - b, इसका फार्मूला क्या होता है? a² - b² होता है। तो पुट कर देते हैं देखिए, तो a का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर करेंगे और -√5 का स्क्वायर, और ये अपॉन में यानी 5 तो है, तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों, यानी 25 आ जाएगा। तो ये C/A, तो यहाँ से सॉल्व कर देंगे, क्या आ जाएगा? 3 का स्क्वायर यानी 9 -√5, ये देखिए power 2 √ से कैंसिल, तो ये क्या आ जाएगा? -5/25 इज इक्वल टू C/A। अब यहाँ 9 - 5 करेंगे, क्या आ जाएगा? 4 / 25। ओके बच्चों, तो ये क्या आ गया? C/A। अब देखिए सेकेंड इक्वेशन आ गया बच्चों। अब फर्स्ट इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन को कंपैरिजन कीजिए, देखिए दोनों में कॉमन क्या है? ए की वैल्यू है, तो ए को सेम करना। देखिए फर्स्ट इक्वेशन में ए की वैल्यू 5 और सेकेंड में क्या है? 25, तो ए वाले को सेम करना। तो यहाँ पे नीचे डिनोमिनेटर में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी 5 से। तो देखिए फर्स्ट इक्वेशन में भी ए की वैल्यू 25 और सेकेंड में भी ए की इक्वेशन क्या आ गया? 25। तो यहाँ पे लिख देते, तो ए इज इक्वल टू क्या आएगा? 25। देन बी इज इक्वल टू क्या आएगा? देखिए बच्चों यहाँ पे बी माइनस का आ जाएगा, माइनस और 6 × 5 = 30, तो बी की वैल्यू 30। देन सी की वैल्यू क्या आ जाएगा? सी इज इक्वल टू 4 आ गया, राइट बच्चों। अब यहाँ पे हम कंपैरिजन कर देते हैं, हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेट बनाना है। अब देखिए ए बी सी की वैल्यू आ गया बच्चों। अब यहाँ पे हम पुट कर देते हैं, फॉर्मेट क्या होता है? ax² + -
बी एक्स प्लस माइनस सी होता है। तो देखिए ए की वैल्यू क्या आ गया बच्चों, यहाँ पे ए की वैल्यू यानी 25 आ गया, तो 25x² और प्लस है तो प्लस, सॉरी बी की वैल्यू क्या आ गया बच्चों, माइनस आ गया, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, -30x, और सी की वैल्यू क्या आ गया बच्चों, 4 आ गया। तो ये फाइनली आंसर आ गया क्या, 25x² -30x + 4। ओके बच्चों।